रामपुर लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने को लेकर पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अमला SDM समेत पुलिस टीम टांडा की गलियों में गश्त पर थी। इसी दौरान दो बाइक सवार लोगों को आता देख पुलिस ने दोनों को रोककर लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर उनसे जब वार्ता की गई, इसी बीच उनको छुड़ाने के लिए घरों की महिलाएं सड़कों पर आ गईं और उन्होंने उन दोनों बाइक सवारों को पुलिस से जबरन छुड़ाकर भगा दिया और पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें सभी लोग बाल बाल बच गए। सरकारी काम में बाधा डालते हुए इन दर्जनों महिलाओं व पुरुषों ने जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया है वे एक शर्मनाक है। पुलिस ने 10 लोगों को नाम दर्ज करते हुए दर्जनों अज्ञात महिला और पुरुषों के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने के एवज में मामला पंजीकृत किया है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती के लहजे में कहा है कि वे लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किसी भी सूरत में चाहे वे किसी भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस उन अज्ञात लोगों को चिन्हित करने में लगी है। देखिए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट टांडा SHO टांडा चौकी इंचार्ज टढ़ियाल, मैं फोर्स के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए टढ़ियाल कस्बे की गलियों में जो मेन हाईवे से अंदर को जाती है ये पैदल भ्रमण पे थे। दो लोग मोटरसाइकिल पर निकले जिन्हें जो आगे पुलिस पार्टी में 4 सदस्य थे उन्होंने रोका और ये बताया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पीछे मजिस्ट्रेट साहब थाना प्रभारी आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको स्पष्टीकरण दे के जाएंगे। लाइट मेरे पीछे लाओ। लेकिन इसी बीच कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की जी, पीछे से पुलिस की पूरी टीम मजिस्ट्रेट सब आ गए तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। बाद में महिलाएं अनावश्यक का सड़क पर अवरोध कर रही थी जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ? अब ये तो पूरी FIR टांडा थाने से मंगाने के बाद मैं संख्या बता पाऊंगा आपको जी। लेकिन उसमें जहां तक सामान्य जानकारी मेरी है उसमें स्त्री पुरुष मिला करके लगभग 8-10 लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी क्योंकि किसी भी दशा में लॉकडाउन का उल्लंघन किसी को नहीं कर सर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब यानी कि SDM साहब जो यहाँ फोर्स के साथ थे, SDM टांडा टांडा जो यहाँ थे, तो वो क्या घायल भी हुए हैं इस पथराव? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ। कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारियाँ नहीं चली। क्या फायरिंग भी हुई है सर? नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई। सामान्य पथराव जी।